प्लीज वेलकम बैक टू मिशिकाज फैमिली चैनल। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, आज है नवमी और आप लोगों को पता है, अगर आप लोग गांव से होंगे तो आप लोगों को पता होगा जवारे निकलते हैं आज। जवारे इन द सेंस की जो खप्पड़ होता है वो लेके जाते हैं, हमारे यहाँ पे भी जाते हैं। पर बात ये है कि इस टाइम पे कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि खप्पड़ रखा गया है, पर अभी जाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हो डर तो लगता ही है। बट हाँ, अगर गई तो मास्क लगा के जाऊंगी, क्योंकि घर में ये चीज़ें ना जन्मों से चली आ रही हैं, जब से हम लोगों ने हमारे होश संभाले हैं तब से, पापा के पहले से। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आप चाह के भी नहीं छोड़ पाते हो, बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आज खिलाना है कन्या, तो कन्या के लिए अभी हम लोग, मैं और सानू दीदी बनाएंगे हलवा पूड़ी। हलवा पूड़ी खिलानी है कन्याओं को, और घर के लिए बनाऊंगी सब्जी। और अभी किचन में आई हूँ, काफ़ी लेट हो गई हूँ। मन से सो रहा है, मिशी का बड़ी मम्मी के यहाँ पे गई है। आप लोगों को तो बताइए, मेरा बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पे, तो मम्मी और मिशी का कन्या बुलाने भी गई हैं, और वहीं के वहीं वो लोग थोड़ा सा होके आ जाएंगी। यहाँ पे अभी बोलूँ तो कोरोना का इतना वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोरोना है, पर हाँ डर तो है ही। भले ही परिवार में भी जाते हैं ना तो बोल देती हूँ भैया मास्क लगा के जाना, क्योंकि हाँ जाना आना नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन मास्क लगा के चले जाना। तो अभी मम्मी लोग गई हैं, देखो कब तक आती हैं। मैं भी तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता बाद में मैं तैयार हो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि कल भी क्या हुआ था कि पूजा करनी थी अष्टमी की, आप लोगों ने तो देखा ही होगा वो ब्लॉग। तो मैं जैसे सुबह तैयार हुई थी, सोचा पूजा के टाइम पे अच्छे से दुल्हन जैसे तैयार हो जाऊंगी, लेकिन तब सिर्फ साड़ी और चूड़ी पहन पाई थी और कुछ नहीं कर पाई थी, क्योंकि ना टाइम ही नहीं था। 12 बजे करेक्ट हमारे यहाँ एक नियम है कि 12 बजे पूजा होगी तो होगी। 11:30 बजे मैं किचन से फ्री हुई, और किचन से फ्री होने के बाद मैं गई, मैंने साड़ी ही पहनी और पापा बोले कि मेघा को बुला लो, पूजा स्टार्ट हो गई। और मैं फटाफट से फिर पूजा में बैठ गई। मैंने कहा हो गया माता, सब जानती हूँ, तैयार तो मैं थी ही, बस हाँ वो है कि एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है ना वो, कि हाँ मैं अच्छे से तैयार होंगी अच्छे से ये। और आपको बता दूँ मैं, हमारे यहाँ पे पूजा में पूरा परिवार इकट्ठा होता है, तो ये जो आंगन है ना इसमें काफ़ी सारे लोग बैठ जाते हैं। तो कल भी ऐसे ही हुआ था। मैं ज़्यादा पूजा पाठ इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि ये हमारी कुलदेवी देवताओं की पूजा होती है और ये दिखाई नहीं जाती है इस वजह से। सो चलिए हम खाना पीना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। गाइज हलवा बन गया है, हलवा की फोटो दिखाऊँ आप लोगों को, फोटो नहीं आई मीन वीडियो दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी आटा लगा के रखा है, ये देख सकते हैं। हाँ रख दो बेटा यहीं पे, अलग ही खाएंगे अभी हम, क्योंकि हमने कुछ नहीं खाया है सुबह से, तो ये खाने वाले हैं। और चलिए हलवा दिखाते हैं। गाइज ये बन चुका है हमारा यमी यमी हलवा, जो कि अभी माता को प्रसाद लगेगा, उसके बाद कुछ होगा। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, जिसमें हम बनाने वाले हैं पूड़ी। सो गाइज यहाँ पे मैं बेल रही हूँ पूड़ियाँ, और दीदी निकालेंगी पूड़ी को, सानू दीदी। अभी मंस सो रहा था, और मंस की वजह से ना दीदी भी हेल्प नहीं कर पाती हैं, क्योंकि मंस परेशान करता है। तो मैं दीदी से कहती हूँ एक काम करो, आप मंस को ले लो, मैं काम वाम देख लूँगी। इसकी वजह से फ़िलहाल वो सो रहा था, इस वजह से दीदी आ गई थी मेरे पास, वो कहने लगी चलो तुम बेलते जाओ मैं निकाल दूँगी। तो बस यहाँ पे मैं पूड़ी बेल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, और वही है ना अभी तो फेस्टिव का टाइम जब होता है, लाइक कन्या भोजन हुआ, कथा हुई घर में, या कोई और भी प्रोग्राम, लाइक छोटी सी भी पूजा क्यों ना हो, अच्छा लगता है, एक अलग सी रौनक होती है घर में। और मतलब ऐसा लगता है कि बस मज़े ही आ गए, मतलब क्या बोलूँ मैं। और फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये मेरी दादी का ये कमरा है जहाँ पे वो रहते थे एक टाइम पे, तो इसमें ना अलग ही रौनक होती है। मतलब मैं चाह के भी ना इसको नहीं छोड़ सकती, इसमें जाके बैठ के कुछ बनाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। आपको बता दूँ आज डेट तक मैंने जब भी, मतलब 6 साल हो गए मेरी शादी को, इस घर के अंदर मैंने कुछ भी बनाया कभी कम नहीं पड़ा है। अगर मैंने 10 लोगों का खाना बनाया ना, 20 लोग खा के चले जाते, पर कम नहीं पड़ता है। इसे कहते हैं ना बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होना। मैं ये कोई ना मतलब ऐसी चीज़ नहीं बोल रही हूँ, बट मैंने ये
मतलब खुद में देखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं बेल बेल के दीदी को देती जा रही थी और दीदी यहाँ पे अच्छे से तलती जा रही थी तेल में इसको। और हमें अभी 2 ही दिन हुए हैं और आपको तो पता ही है इस घर में ना बुआ जो है ना वो चूल्हे पे खाना बनाती हैं, तो अभी सब ऐसा फैला है, लेकिन 1-2 दिन में मैं मतलब इसे सेट कर दूँगी। मैंने सेकंड डे ही सेट कर दिया था, वॉइस ओवर में बता देती हूँ, मैंने सेकंड डे ही अच्छे से झाड़ू लगा के ऊपर से अच्छे से सेट कर दिया था, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि छोटे छोटे जो डिब्बे होते हैं उनमें डस्ट होती है, क्योंकि कच्चा घर है ना तो डस्ट बहुत जल्दी हो जाती है, और फिर बूढ़े लोगों से क्या ही उम्मीद करें, वो जितना भी करें कमी होता है। और हालांकि मेरी बुआ जी ना बहुत अच्छा रखती हैं इसको, अच्छे से पोत के लीप के, बट वही है ना चूल्हे पे खाना बनता है इसकी वजह से, और फिर कोई विंडो भी नहीं है इस घर में। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम सारी पुड़ियाँ निकाल लेंगे, और कन्या भोजन का क्लिप मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ना महावर लगाना था और टीका लगाना था, तो उसी में इतनी बिजी हो गई कि शूट ही नहीं कर पाई बिल्कुल भी। मज़ा आ रही है भैया के दादा दादी के घर, अच्छा लगता है हमें दादा दादी के घर, हम तो अपने दादा दादी के घर है ना बेटे, हम तो अपने दादा दादी के घर में शिका दीदी सो गई है, हम तो अपने दादा दादी के घर। मॉर्निंग गाइस, तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं पी रही हूँ मेरी चाय, आपको दिखाती हूँ अभी हाल पापा को, दीदी लोगों को देके आई हूँ चाय। और आप लोगों को बता दूँ कि कल हमारे यहाँ कन्या भोजन था, बट सारी फैमिली की ही लड़कियाँ आई हुई थी खाना खाने के लिए, एंड आपको तो पता ही है कि जब आप इकलौती बहू होते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, अगर 2 बहुएँ एक घर में होती हैं ना तो कोई कुछ कर लेता है कोई कुछ कर लेता है, बट जब एक बहू ही एक घर में होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल नहीं ट्रिपल नहीं पूरी हो जाती है। और एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों से छुपा रही हूँ, जो मैं कल आप लोगों को बता दूँगी, जो कि हमसे भी छुपी हुई थी, हमें भी पता नहीं था इसके बारे में, मैं आज आप लोगों को इसलिए नहीं बता रही हूँ कि इसके बारे में बात करने के लिए मुझे बाबू से पूछना पड़ेगा कि मैं करूँ यूट्यूब पर इसके बारे में बात या ना करूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग सब डिस्टर्ब हैं, और मैं ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ, यहाँ आने के बाद जिस तरीके से मैं ब्लॉगिंग करती थी मैं उस तरीके से बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरा मन लग रहा है। और ना मन लगने का यही रीज़न है कि कुछ चीज़ें होती हैं ना जब आपके लाइफ में बहुत अलग जाती हैं, जब आप कुछ नहीं आप सोच पाते हो कि ऐसा भी कभी हो सकता है, और जब वो चीज़ें वैसी हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो मेंटली, और फिज़िकली तो नहीं, क्योंकि फिज़िकली तो क्या है। तो बस यही है, और आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे ससुराल के ब्लॉग पसंद करते हो और आप लोगों को अच्छे लगते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड जब से हम यहाँ आए हैं ना तब से मंस केवल सानू दीदी के पास रह रहा है, या बाबू के पास या मेरे पास, और किसी के पास वो जा नहीं रहा है, मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ है, बिकॉज मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि इंदौर की कंडीशन बहुत ख़राब है, तो हम अभी दमोह में रुकने वाले हैं, और अगर मंस ऐसे करने वाला है ना तो कैसे रुकेंगे समझ में नहीं आ रहा। और उसी एक और चीज़ है, आपकी संघ की आवाज़ सुन रहे हैं किसी के यहाँ पर पूजा हो रही, एक और चीज़ है कि क्या होता है ना कि बच्चे को आदत पड़ जाती है किन्हीं चीज़ों की, जैसे उसे मालिश की आदत है, उसके बाद उसे एसी में रहने की आदत है, तो उन चीज़ों के लिए भी वो थोड़ा सा परेशान करता है, बट क्या कर सकते हैं। और अभी मैंने नहाया नहीं है, पापा के लिए मुझे बनानी है साबूदाने और मखाने की खीर, जो कि शुगर फ्री होती है, वो मुझे बनानी है, तो उसके लिए मैंने साबूदाने को फुलाने के लिए डाल दिया है ताकि वो फूल जाएँ, उसके बाद मैं उन्हें बनाऊँगी, क्योंकि अगर ऐसे कच्चे बनाते हैं ना तो काफ़ी वक्त ले लेता है, और थोड़ा सा गीले पानी में थोड़ा सा रख दो लाइक 5-10 मिनट के लिए, उतने में जो है वो अच्छा हो जाता है, अच्छे से बन जाते हैं। तो वही है, और मिशी का भी हाल, मैंने उनको चाय बिस्किट दिए हैं, वैसे मैं मिशिका को मैं चाय देती नहीं हूँ, बट आजकल वो खाती नहीं सुबह से कुछ, इस वजह से मजबूरी में मुझे उन्हें थोड़ी सी चाय में दूध डाल के बिस्किट दिए हैं ताकि वो खा लें। और मुझे भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा लॉकडाउन के चक्कर में, आप लोगों से तो यही बोलूँगी कोरोना बहुत ज़्यादा फैला है, और इसका अभी तो फ़िलहाल मैं आपको यही बोलूँगी कि ऐसी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो रही है, जो हमने कभी नहीं सोची थी कि इतनी ज़्यादा होगी। तो आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए, हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ पे ऐसी कोई केसेस ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी हम हमारे घर से कहीं नहीं जाते हैं, सब्जी वाली जो आंटी लोग निकलती हैं गांव से जो आती हैं उन लोगों से हम लोग ले लेते हैं।
तो ऐसे ही करना है हमें बाकी। तो मेरे जेठ जी भी आ गए थे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि दिल्ली का माहौल कितना बेकार हो रखा है इस टाइम पे, तो उधर रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो पापा मम्मी लोगों ने बोला कि आ जाओ, वैसे भी अभी जॉब तो हो नहीं रही है, तो वो भी आ गए। तो अभी तो पूरा परिवार यहीं पर है। बस वही है ना, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा शर्माती हूँ सबके सामने, मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ। मोस्टली मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग करती हूँ, उसका रीज़न भी आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे क्यों करती हूँ, क्योंकि यहाँ के अलावा मैं कहीं पे आप लोगों से बात नहीं कर सकती हूँ। वॉइस ओवर में कितना ब्लॉग बनाऊँ बताइए। गाइस सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा बर्तन, और मैं अभी नहा के आई हूँ, जस्ट तैयार हुई हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। काजल लगाने का मन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर लगा नहीं रही हूँ, क्योंकि मंस क्या करता है ना, ऐसे ऐसे नोचता है, पूरा फैला देता है। आजकल ना मंस की वजह से मैं रेडी ही नहीं हो पाती, एंड मुझे अभी वो बिल्कुल देख रहा है कि मम्मा कर क्या रही, क्योंकि नीचे वो खेल रहा है। एंड अभी मुझे बनाना है खाना, दिन का खाना। ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि काम ज़्यादा पड़ जा रहे हैं, और ट्राईपॉड मैं लेके नहीं आई हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट करती हूँ। लाइक ज़्यादातर आपको बातें ही रहती हूँ, मैं बताती हूँ कि मैंने क्या क्या है। बट मैंने अभी झाड़ू लगा लिया था, पोछा लगा लिया था, बर्तन धो लिए थे, फिर मैंने सोचा जल्दी से नहा लेती हूँ, फिर खाना भी बनाना है। और ये वाली साड़ी मैंने आज अगेन पहनी, क्योंकि ये साड़ी ना बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, एंड सच बताऊँ ना, इसे पहनने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है, ऐसा फील ही नहीं होता कि मैंने साड़ी पहनी हुई है, अच्छे से ये पहन जाती है। एंड मैं आप लोगों को बता दूँ, भले ही ये रेड कलर का ब्लाउज है, बट इसका ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं है, इसका ब्लाउज था गोल्डन कलर का, और अलग ही टाइप का गोल्डन कलर था उसका, ऐसा गोल्डन भी नहीं था। पर आप लोगों को तो मैंने बताया ही था, जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो मुझे ब्लाउज स्टिचिंग के लिए डालने थे, बट मैं नहीं डाल पाई थी। उसका रीज़न ये था कि लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से ना मैं साड़ी तो चेंज करके पहन पा रही हूँ, बट ब्लाउज़ नहीं पहन पा रही हूँ। और वैसे भी मैं ना ब्लाउज़ बहुत रेयर सिलवाती हूँ, बहुत कम सिलवाती हूँ, क्योंकि मैं हर साड़ी का एक ब्लाउज सिलवाने बैठ गई ना इंदौर जैसी जगह पर, 800 और 700 के अराउंड एक ब्लाउज़ की कॉस्ट होती है। एक ब्लाउज 700-800 रुपये का सिलता है, जिसकी वजह से मैं नहीं सिलवाती हूँ। मैं ऐसे ब्लाउज सिलवाती हूँ जो एक ब्लाउज एटलीस्ट 3-4 साड़ियों पे चल जाए, तो ये मेरा रीज़न होता है। फिलहाल तो इंदौर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है, और हमें निकलना भी है, अब निकलने का कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इतनी हालत ख़राब है वहाँ की। वहाँ पे जब भी बात हो रही है, बस यही पता चल रहा है कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या, बट कोई ना, देखते हैं क्या करना है। फिलहाल मैं इस वाले ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, मैं मिल रही हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।